क्योंकि सॉल्यूशन का अंदाज अलग होना चाहिए। एग्जाम में नंबर पाने के लिए तरीका से सॉल्व करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करने वाले, ई टू दी पावर एक्स रहेगा, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, ई टू द पावर एक्स वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ऐसे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स, कुछ कुछ बात समझिए। वन वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू, देखिए यहाँ पे देखिए टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस, देखिए साइन एक्स को तोड़ेंगे, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू है ना, अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे हो जाएगा डी एक्स है ना। ध्यान से देखिए, अब देखिए ई टू द पावर एक्स रहेगा, यहाँ वन बाई टू तो होना ही है, वन बाई कॉस क्या होगा, सेक हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, इस दो से दो को काट देंगे हम लोग। देखिए एक साइन और एक कॉस मिलकर क्या होगा, देखिए एक कॉस से है ना, एक कॉस कट जाएगा, साइन कॉस कितना होगा, टेन हो जाएगा, साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन एक्स बाई टू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे देखिए, लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू एफ एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, बोलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वन बाई टू तो आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको हम आई मान लें, अगर यहाँ से आई मान के चले अगर, तो बड़ा बेहतर रहेगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो गया क्लियर। अब ऐसा अगर होता है तो आंसर क्या आता है, ई के पावर एक्स इंटू मेन फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, सब्जेक्टिव है, इस तरह होगा, और ई का पावर एक्स और मेन फंक्शन क्या माने थे एफ एक्स का, टेन एक्स बाई टू है ना प्लस सी, यहीं का हो गया हमारा आंसर।